आज तारीख है 16 अप्रैल 2024। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर इस क्वेश्चन के साथ। डस्ट लीग युद्धाभ्यास जिसको बोला जाता है संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और किन देशों के साथ डस्ट लीग युद्धाभ्यास हो रहा है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अमेरिका और जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, है ना। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां है? ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग एक्सरसाइज है ना 15 अप्रैल से शुरू होगा, यानी अब हो चुका है, ठीक है ना। आज 16 अप्रैल है यानी कल स्टार्ट हो चुका था। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण है, है ना। यानी डस्ट लीग हुए आज कितने वर्ष हो गए? 5 वर्ष हो गए, 5वां संस्करण है। कहता है 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान के ये किस जिले में? तो उज्बेकिस्तान के जर्मेंज जिले में आयोजित किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान के जर्मेंज जिले में आयोजित किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? डस्ट लीग एक्सरसाइज, डस्ट लीग युद्धाभ्यास, डस्ट लीग युद्धाभ्यास। आगे देखिए, यह 14 दिवसीय 15 से 28 यानी 14 दिवसीय का मतलब 14 दिन होगा, जो 15 तारीख से लेकर के 28 अप्रैल तक कंप्लीट होगा। कहता अभ्यास के दौरान उत्पन्न सौहार्द और सद्भावना यानी दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है, है ना, आपस सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने के लिए। डस्ट लीग का 4वां संस्करण पिछले साल हुआ था, है ना, 2023 में, 20 फरवरी 2023 में। ये विदेशी प्रशिक्षण नोड यानी कि ये हुआ था भारत में, और कहां पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है, जिला है उत्तराखंड का पिथौरागढ़, है ना। तो पिथौरागढ़ में ये डस्ट लीग एक्सरसाइज हुआ था। तो आपको याद रखना है कि डस्ट लीग एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग एक्सरसाइज होता है, ठीक है ना। दोनों देशों के मध्य इस अभ्यास का प्रथम संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था, और इस बार भी कहां हो रहा है? उज्बेकिस्तान में। आइए अब देखते हैं कि उज्बेकिस्तान के बारे में। कहते उज्बेकिस्तान एक देश है जो सोवियत संघ से विघटन हुआ था, जो आज रशिया बोलते हो, सोवियत यूनियन, ठीक है ना, यूएसएसआर, याद रखिएगा यूएसएसआर। यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में, जिससे एक देश बना या 15 देशों में टूटा, और इसमें एक देश हमारा क्या है? उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी ताशकंद है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। आपको एक बात याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम है, क्या नाम है बताइए, दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, जय विज्ञान, ठीक है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु यही ताशकंद शहर में हुआ था, है ना, बम धमाका में ये मारे गए थे। आइए, यहाँ का मुद्रा सोम है, ताशकंद की मुद्रा यानी करेंसी सोम है। यहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव है। कौन है? निगमातोविच अरिपोव। राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियोएव। याद रखिएगा छोटी छोटी बातें। और इसके अलावा सैन्य अभ्यास हर बार आता है, तो आप इसको नोट भी करेंगे, है ना, कि डस्ट लीग किसके साथ हुआ था? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग एक्सरसाइज हुआ, ठीक है ना। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच, मैत्री युद्धाभ्यास किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच। अभ्यास अयोध्या भारत और थाईलैंड के बीच। दोस्ती युद्धाभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। दोस्ती किसके साथ? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति किसके बीच? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास? समुद्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्ती की भारत, मालदीव और श्रीलंका। दोस्ती के भारत, मालदीव और श्रीलंका। अयोध्या भारत और थाईलैंड। मैत्री भारत और थाईलैंड।
इसके अलावा आप देखो इक्वेरियन इक्वेरियन एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच, इक्वेरियन एक्सरसाइज किसके बीच, भारत और मालदीव के बीच। नोमैडिक एलिफेंटा एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान, खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। आइए तो आज का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कहता लक्षद्वीप में एक शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जिसको एसबीआई बोलते हैं, या यूको बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। ये प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है और इसे यहाँ पे पहली बार लक्षद्वीप में कोई प्राइवेट बैंक खोला गया है ना, सरकारी बैंक नहीं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तो सरकारी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक ये सरकारी बैंक है, ये दोनों प्राइवेट बैंक है ना। तो लक्षद्वीप में ये खोला गया एचडीएफसी। ओके, भारत के निजी क्षेत्र में बैंक एचडीएफसी ने लक्षद्वीप, कहां पे, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती द्वीप में एक शाखा खोला गया है। एचडीएफसी बैंक केंद्रशासित लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश में शाखा खोल रखने वाला भारत के पहले निजी बैंक बना है। इसके पहले कोई भी बैंक यहाँ पे प्राइवेट बैंक नहीं खोली गई थी। कहता है इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करना, ठीक है ना। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी, 1994 में स्थापना हुई थी। एचडीएफसी का मुख्यालय मुंबई है और एचडीएफसी बैंक के एमडी है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है ना, शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर और जगदीशन हैं। शशिधर और जगदीशन। ओके, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है ना बच्चे। आइए लक्षद्वीप के बारे में जाने, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारत्ती। इसके जो कैपिटल ये कवारत्ती हो गया, इसको जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका नाम है प्रफुल्ल पटेल, सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लक्षद्वीप छोटा है। अगर सबसे लक्षद्वीप देखा जाए तो सबसे छोटा कौन है केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप। हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, 8 है। कितने हैं बच्चे, 8 है, 7 नहीं है, 8 है। ओके, याद रखेंगे 8 है। कहता है यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम में अरब सागर में अवस्थित है। कितना किलोमीटर दूर है ना, तो 400। ये बात पॉइंट याद रखने वाला है, पहले मैंने कभी इसको नहीं जिक्र किया कि लक्षद्वीप भारत से कितना किलोमीटर दूर है, तो 400 किलोमीटर दूर है पश्चिम अरबियन सागर, ये तो मैंने पढ़ाया था। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो मूंगा द्वीप बना, मूंगे की चट्टानों से ये बना हुआ है, जिसको कोरल रीफ बोला जाता था, कोरल आपको बताया था ये, ठीक है ना, कोरल लक्षद्वीप में। आइए इसको बैंकिंग करंट अफेयर देखिए। कहता है कोटक महिंद्रा बैंक ने, एक बैंक का नाम है जिसका नाम क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनेटा फाइनेंस के अधिग्रहण किया। अरविंद कपिल ने जो एक था फूना वाला फिनकॉर्प के नए एमडी और सीएम बने हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड एलआईसी है, एलआईसी सबसे ज्यादा, इसको अभी डूबने का चांस नहीं है एलआईसी में, एलआईसी में पैसा नहीं डूबता, लेकिन सब लोग समझते हैं पैसा डूब जाता है, तो ये एजेंट पैसा खा जाता है, कहेगा कि मान लिया जाए पैसा आपने दिया, कभी नहीं जमा किया, तो नहीं जमा किया ना, तब उस कहेगा ना कि आपका खत्म हो गया, समझा, लेकिन खत्म कभी नहीं होता है। आप पैसा नहीं दिए, एक्स्ट्रा पैसा भर के आप बाद में जमा कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिए तो जितना आपने दिया था ना उसी पर शुद्ध ब्याज जुट करके आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहां क्या लोग कर देता है एलआईसी में, कहेगा कि एलआईसी आपका डूब गया, खत्म हो गया, आपने पैसा 2-3 महीना से या 2-3 किस्त नहीं दिया, है ना, रिवाइवल हो जाता है, माँ पीछे चला जाता है, लेकिन आपको डूबता नहीं, उतना ही निकाल, और ये उसी को तो फायदा होता है एलआईसी के जो भी काम करने वाला है। अरे एक आदमी 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है एलआईसी में, एलआईसी जो मैनेजर होता है एलआईसी का, एलआईसी खाता खोलवा है ना, आपके पीछे दम कुत्ता के जैसा डोरियाल चलेगा, है खाता खुला लो, यानी कितना फायदा उस एलआईसी कंपनी से है,
ठीक है ना, उसके लिए हर चीज करने को तैयार हो जाएगा। उसका घर एक को खराब देखियो, ये एक सब बढ़िया बढ़िया घर बना के रखेगा एलआईसी वाला, है ना। और जबकि नौकरी है, प्राइवेट आदमी है, नौकरी है तो तू कहने नहीं है, लेकिन प्राइवेट आदमी अच्छा पैसा कमा लेता है एलआईसी में, बस समझ में ना। तो एलआईसी है ना बहुत खतरनाक चीज है, एलआईसी करावे की चीज नहीं है, है ना। उसी पैसा से आप दूसरा चीज करिए, अपना कुछ स्टेबल कीजिए, है ना। एलआईसी आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देती है, उससे ज्यादा आप खेत खरीद के रख लीजिए, एलआईसी से कई गुना पैसा आपको दे देगा। आइए कहिएगा तो महीने महीने में एलआईसी खेत खरीदेगा। जनकपुर धाम संस्कृत महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, है ना। कहता है जनकपुर धाम संस्कृत महोत्सव, जनकपुर धाम संस्कृत, है ना। माता सीता का जन्म यही जनकपुर में हुआ था, है ना, यहाँ नेपाल में हुआ था, समझ में आया। कहता जनकपुर धाम संस्कृत महोत्सव का दूसरा संस्करण नेपाल में भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित किया गया है। जो इंडियन एम्बेसडर्स थे, इंडियन एम्बेसी इन नेपाल में, वहां पे इसको स्टार्ट किया गया। यह महोत्सव जनकपुर, जनकपुर कहाँ है, नेपाल में है, जनकपुर में महेंद्र नारायण निधि मिथिला संस्कृत केंद्र का आयोजन किया गया। इसका नाम क्या है, है ना, महेंद्र नाथ निधि। चलिए, कहता है कि महोत्सव का पहला संस्करण अप्रैल 2023 में आयोजित किया गया था, इसका ये दूसरा संस्करण है। इस महोत्सव का मुख्य जो पर्पस है, उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, भारत और नेपाल की सांस्कृतिक विरासत को साझा करना, है ना। सांस्कृतिक विरासत यानी पुरानी कल्चर ट्रेडिशन यहाँ देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, है ना। ये आपका नेपाल है तो आपको ये तो पता ही होगा, है ना। नेपाल से भारत के कौन कौन सा राज्य टच करता है? तो आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है ना। याद रखिएगा कौन कौन राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ऐसे तो हम लोग याद किए थे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम, ऐसे याद कर रहे थे ना क्रम से, और क्रम से याद रखिएगा। अब इसका कोड अगर कहोगे नेपाल से टच करने वाले भारत के राज्य, तो उसका है कोड UUBBS, 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 यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। बिहार, बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। नेपाली यहाँ एक मुद्रा जो है, करेंसी है, वो नेपाली रुपया। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास होता है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। नेपाल के बारे में जानिए, सेम सेक्स यानी कि एक ही सेक्स में, दैट मीन्स लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ मैरिज रजिस्टर्ड कराने वाला ये पहला दक्षिण एशियाई देश बना है, कौन सा, नेपाल, ठीक है ना। अब कुछ हम लोग देखेंगे महोत्सव के बारे में। कहता है थाई पुसम महोत्सव त्योहार यानी महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है, है ना। गोले मेला महोत्सव उधमपुर जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा बच्चे कि उधमपुर कहाँ है, तो उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। ममनी खाद्य महोत्सव लद्दाख में और मोनलम चेलमो महोत्सव लद्दाख में। ममनी खाद्य महोत्सव लद्दाख में, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान। और उधमपुर फेस्टिवल कहाँ पे है, नेपाल का, तो जम्मू कश्मीर, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी नेशनल जुडिशियल अकादमी, जिसको बोला जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के, इसका जो नए प्रमुख कौन बने हैं, इसका जो नए प्रमुख कौन बने हैं, इसका हेड, इंपॉर्टेंट हेड कौन बना है ना। अनिरुद्ध बोस, सचिदानंद मोहंती,
तरुण बजाज या सुशील शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे अनिरुद्ध बोस। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख अनिरुद्ध बोस बनाया गया। कथा सुप्रीम कोर्ट एससी मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मतलब उसके जो न्यायमूर्ति है बकार है ना जज, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी एनजेए नेशनल जुडिशियल एकेडमी है ना भोपाल का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1993। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। कहता यह अकादमी भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी नेशनल जुडिशियल अकादमी कहाँ अवस्थित है? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जिसका पंजीकरण कार्यालय दिल्ली में भी है। एनजेए नेशनल जुडिशियल अकादमी, एनजेए का मतलब है बच्चे नेशनल जुडिशियल अकादमी, का सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत काम करती है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट के तहत ये काम करती है। यह अकादमी न्यायिक शिक्षा शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना, यानी सारा यहाँ व्यवस्था आपको मिलेगा। आइए कथा हाल ही में की गई नियुक्तियां, सबसे पहले क्या क्या जल्दी में कौन कौन बने हैं उसको देख लीजिए। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सी, यूजीसी के सदस्य सचिदानंद मोहंती, यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख तरुण बजाज और 16वीं वित्त आयोग के सदस्य मनोज पांडा बने हैं। 16 वित्त आयोग के सदस्य कौन बने हैं? मनोज पांडा। और कोंकण रेलवे कारपोरेशन के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है ना संतोष कुमार घोष, सॉरी संतोष कुमार झा, और सीबीएसई के नए अध्यक्ष राहुल सी, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने? राहुल सी। विप्रो के नए सीईओ श्रीनिवास पल्लिया बने, और एवरेडी, एवरेडी एक बैटरी आता था ना एवरेडी, एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं बच्चे? भाला फेंक। आइए क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई? ऑप्शन है 13 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल या 11 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाया गया। भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि 14 अप्रैल 1891 को है, है ना, नोट कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी जन्मतिथि कब था? 14 अप्रैल 1991। इनका जन्म स्थान महू, महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब इसका नाम महू का अब नाम हो गया डॉक्टर अंबेडकर नगर। महू का आज नाम क्या है? डॉक्टर अंबेडकर नगर, लेकिन पहले इसका नाम था महू। मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की अवस्था में, है ना, इसलिए इसका बूढ़ा को फिगर देखते हैं क्या, 6 दिसंबर 1965। समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है ना, सबके महात्मा गांधी समाधि स्थल याद किए होंगे छोटे क्लास में, उसी प्रकार से इसका समाधि स्थल कहाँ है? चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। कहता है कि इनका अन्य नाम क्या है? बाबा साहब अंबेडकर। पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल। माता का नाम भीमा बाई है ना, और इसकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर। विवाह 1906 में और निधन 1935 में, जल्दी ये टपक गए थे। कहता है डॉक्टर सविता अंबेडकर डॉक्टर सविता अंबेडकर का इनके साथ जब विवाह हुआ 1948, सोचा कि भारत को आजादी करा दिए दो, शादी कर लेते हैं, ठीक है ना। और इनका निधन कब हुआ? 2003 में, है ना, ये बड़का दिन जिंदा रह गई। आइए कहता है पुरस्कार 1956 में पुरस्कार स्टार्ट कब से कौन किया गया है ना, और इनको बड़ी सा अवार्ड भी मिला था, ठीक है ना। तो वधिष्ठ कब इनको मिला था? 1956 में। भारत रत्न 1990 में मिला था। बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मरने के बाद, हाँ तब, अभी जल्दी है ना, वो कर्पूरी ठाकुर को मिला,
ठीक है ना, हमको ही मिलेगा। भारत रत्न 1990 में मिला, भारत रत्न अंबेडकर को कब मिला? 1990 में। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द टाइम्स 2004 में मिला, मरणोपरांत मिल रहा है ना। द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड भी दिया गया 2012 में, द ग्रेटेस्ट इंडियन, सबसे बढ़िया भारतीय, ठीक है ना। राजनीतिक दल ये किस पार्टी से थे, है ना, ये कांग्रेस से नहीं थे, ठीक है। कहता शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट यानी एससी फेडरेशन के ये सदस्य थे, है ना। स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य थे, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे। सामाजिक संस्करण, क्या सामाजिक संगठन इनका कौन था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा समता सैनिक दल, बहिष्कृत हितकारिणी सभा समता, है ना। नाम है, नाम मतलब नाम है। आइए देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। सचिन तेंदुलकर, एक जल्दी इनका एक पुस्तक आया है, सचिन तेंदुलकर, यह सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर। तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का एक बुक है जिसका नाम है प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे। विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र, चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र, कौन सा पुस्तक है ये, राजनीतिक शास्त्र की। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सब इंपॉर्टेंट है, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रेमचंद गोदान गबन, ये सब पुस्तक है। कलहन राज तरंगिनी, कहाँ का किताब लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर का। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, संजय बारू, है ना, द एक्सीडेंटल टाइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल टाइम मिनिस्टर। आइए क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? ऑप्शंस है अहमदाबाद, सूरत, अहमदाबाद, खेबड़ा, गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे खेबड़ा, ठीक है ना। तो गुजरात में किया गया, कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया है। अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात में कच्छ जिले में, जगह का नाम है खेबड़ा में, खेबड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है ना। ये पार्क रिन्यूएबल एनर्जी पार्क रहेगा, यहाँ से बहुत सा मेगावाट में क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाया जाएगा। यह पार्क 338 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है ना, बहुत बड़ा लार्ज स्केल एरिया पर यह पार्क फैला हुआ है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी। कहता है खेबड़ा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट होगा, है ना, गीगा एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा तेरा पेटा एक्सा, तो यही गीगावाट होगा, यानी 10^15 चल देख लीजिएगा। अडानी समूह की इस कंपनी ने 1.5 लाख करोड़ रुपया निवेश करेगी इसको में ये बनाने के लिए। देखिए तो खाली तो प्लेट नजर आ रहा है ना, ये विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ये हवा से बिजली उत्पन्न कर रहा है इधर, और इधर पानी से, ठीक है, हवा चलेगा तैयो, हाँ, और धूप होगा तैयो, यानी एनर्जी ही एनर्जी ले जाओ, और रीन्यूएबल एनर्जी है, ये खत्म होने वाला चीजें नहीं है, समझ में आ रहे बच्चे, है ना। देखिए ये है मोदी, ये है मोदी का जलवा, बिहार में ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब सब कहा गुजरात में, कहाँ पे अभी कहाँ था वो खेवड़ा, कहता है किस 30 गीगावाट की प्रस्तावित क्षमता में सौर ऊर्जा को हिस्सेदारी 26 गीगावाट है, जबकि 4 गीगावाट जो आएगा वो पवन एनर्जी का जाएगा, है ना। सोलर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से कितना, 26, और 4 किस से, पवन से, ठीक है ना। यह अडानी समूह ने लगाया है इसको, कितना पैसा खर्चा किया, 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़, अगर लाख बर्बाद करो, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़, समझ ना कितना बड़ा होगा, आगे लाख बनाओ, जैसे देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया, अब करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और इसमें भी गुना कितना से करना है, 1.5 से, 1.5 लाख करोड़ है ना। अब गिनिए
ए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब नील कितना पैसा लगाया है ना नील। और अभी ओकरा में 1.5 से गुने करना है यानी डेढ़ गुना, ये तो एक गुना है ना, इतना तो एक गुना हुआ एक नील और एक नील से और आधा। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर सांची था, आपको ये तो याद होगा ठीक है ना। आइए एक इंपॉर्टेंट छूट गया कि भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के कहां लगाया गया, नाजनांद गांव में लगाया गया। ओके अब मध्य प्रदेश से सौर ऊर्जा से चलने वाले पहला शहर सांची, जो सांची का है शहर अशोक से संबंधित शहर है सांची ठीक है ना, सांची आपने बहुत पढ़ा होगा ठीक है। तो सांची जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित सांची, वहां एको एनर्जी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है जो किससे उत्पन्न हुआ हो, कोयला से है ना, यूरेनियम से, सब सोलर एनर्जी सोलर पैनल से। अरे पगली हर घर में छत पर लगा होगा, अरे बड़का वो प्लांट से एनर्जी आता है हा ना पार्क जैसा, ये कैसे हर छतों पर लगे है क्या तुम है ना, ये वाला तू थी मुझे जगैया का नंबर था ना वही वाला है तू खेवड़ी ना होगा। कहता उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में तैयार किया गया। फ्लोटिंग मतलब समझे ना, चरने वाला क्या, तैरने वाला, फ्लोट करने वाला है ना, समुद्र में फेंक दो और वहां से क्या होगा, अरे समुद्र जाए मान लिया जाए, यहाँ सोलर पैनल लगाते थे खेती तो नहीं कर सकते थे, छाना हो जाता और जगह ले लेगा, अरे का हवा में टांगू है ना, और वहां ऐसा एकदम फ्लोटिंग तैरने वाला प्लेन लगा दिया नदी में ठीक है, नदी में ऐसी पड़ा रहेगा, नदी में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं था ठीक है, वहां क्या कर लेगा, अभी नदी में मान लो सोलर पैनल लगा दिया जाए तो कितना फायदा है ठीक है ना, हाँ खोए घरे ना ले आवेंगे हाँ नदी में अगर लगा देते हो है ना, बिहार में इसे संभव नहीं है लगने से, यहाँ अगर बिहार में ही चलो मेरे गांव में यहाँ नदी में लगा दिया जाए पहले लगे लगने वाला हो सब दिमाग लगा कब खोलना है, नहीं देखना कब देखना कब इसको खोलना कब यहाँ से पूरा टीम जाए कि अपना घर में ये पैनल आ जाए। अगर पता है एक जगह मंदिर अगर ना होता, मंदिर में सोलर पैनल लगा रहता है, मंदिर ना होता ना तो सोलर पैनल जिंदा नहीं रहता, सबके घर में आ जाता, लेकिन मंदिर है लोगों को आस्था है भगवान में भरोसा है ठीक है ना, इसीलिए मंदिर में जिंदाबाद, और इधर वो सरकारी चीज जिंदाबाद मंदिर में नहीं वो घर में आ जाता ठीक है ना। तो लगा के देख ले रोड पर 7-8-10 को, एक साल का तो चल जाता है ना, किसी का जिम्मा रहेगा तब एक साल चलेगा, वो कर दूरा वाला पर है तो मालिक है तार है ना, अरे तो कोई के मालिक नहीं, मान ली मेरा गेट यहाँ है एक का गेट और बीच में कुछ नहीं है खाली स्थान है, वहां लगा दे पैनल देख लीजिए कितना दिन चला है ना, पहले यह दिमाग लगा कौन पहले लेता है, ये देखिए फ्लोट कर रहा है समुद्र में क्या कर रहा है, फ्लोट तैर रहा है ना, और यहां से एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है ठीक है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाला नौका आदित्य शुरू किया गया, वहां नौ चलेगा सौर ऊर्जा से, यहां तो नौवे पर उड़ाएगा सोलर पैनल ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री सातवां नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला भारतीय पर्यटन कौन बना है, पर्यटक कौन बना है ना बताइए, घूमे जा रहे अंतरिक्ष में ससुर पैसा बहुत हो गया होगा है ना, राकेश मोहन, संजय नायर, अतुल मेहरा या गोपी थोटाकुरा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपी थोटाकुरा। आइए पायलट देखिए आंध्र घूमे गया है पहाड़ पर चलते यार मेरे साथ वो सुराई पड़ी हाँ इतना दूर जाने क्या जरूरत था, मजे ना चाहिए। कहता है पायलट गोपी थोटाकुरा पहले ऐसे भारतीय पर्यटक होंगे जो अंतरिक्ष में सैर के लिए जाएंगे, अभिज्ञान जाएगा। वह अमेजन के संस्थापक जोस बेजोस जो थे, अमेजन का जो अमेजन खरीदते हो ना वो कौन संस्थापक है, जोस बेजोस ठीक है ना, इसको जेफ बेजोस ने NS-25 मिशन के 6 क्रूज सदस्यों में शामिल किया है ना, बड़ा आदमी है ये भेज रहा है इसको, तो जा रहा है 6 लोग जा रहे हैं इसके साथ, तो भारतीय को ही आइए। कहता है गोपी थेटाकुरा का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था,
ठीक है, कहाँ हुआ था? गोपी थोटाकुरा का जन्म आंध्र प्रदेश के जिले विजयवाड़ा में हुआ था। हाल ही में उन्होंने तंजानिया के ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो के शिखर पर चढ़ाई। है ना, खाली ससुर घूम ही रहा है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, खाली घूम रहा है। कभी तंजानिया में जाएगा? बोली तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। तो तंजानिया में एक ज्वालामुखी, प्रसिद्ध ज्वालामुखी, कौन नहीं जानता है ना, जिसका नाम है किलिमंजारो। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी बच्चे क्या है? किलिमंजारो। हाँ, घूम मजा लो। कथा गोपी थेटाकुरा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में, है ना, ये दूसरे भारतीय होंगे, ठीक है। लेकिन वो अमेरिका की तरफ से गया था, ये भी अमेरिके लेके जा रहा है, लेकिन ये भारतीय मूल के है, है ना। राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में गए थे, है ना, और ये दूसरे व्यक्ति होंगे। आइए, कहता है राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहला भारतीय नागरिक राकेश शर्मा थे। कहता है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, और ये भी कहां से? अमेरिका से गई थी, है ना, मर गई थी, झारखंड की ये थी। कल्पना चावला कहां की थी? झारखंड के। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल के दूसरी महिला सुनीता विलियम्स भी थी। सुनीता विलियम्स ये भी भारतीय मूल की ये दूसरी महिला थी। तो पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। दूसरी महिला सुनीता विलियम्स, है ना। ये लोग दूसरा देश में जाते हैं तबे संभव है, जैसे आप गांव में रह के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, एक ऑप्शन, गांव में रह के कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, आप अपने इस माहौल में रह करके मामा रानीगंज कुछ नहीं कर सकते, फिर गयो भी रह के कुछ नहीं कर सकते, और सबसे बड़े बिहार छोड़ो। अब बिहार में क्या, भारत में, अब छोटा छोटा सपना है तो ठीक है, अब इसका सपना क्या था? हम अंतरिक्ष में जाए, तो भारत में रह के ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए कहाँ जाना होगा? अमेरिका जाना होगा। समझाया? अब टारगेट बनाई बीपीएससी का, घर रहेगी। आइए देखो बात, अच्छा बात समझ रहे, अच्छा मेरा कहना है यार, अब मेरा कहना बताइए, है ना, सिस्टम को समझिए, है ना। यहाँ का सिस्टम एकदम कचरा है, एकदम 100% कचरा है, 1-2% नहीं, 100% कचरा है ना। और यहाँ के जो नेता है ये इतना कचड़े हो गए हैं कि रोजगार नहीं है। अरे हमारे ऐसा पढ़े लिखे लोगों के लिए भी रोजगार नहीं है, समझ रहा है ना, कि हम मंथली में 15,000 और 10,000 रुपया भी कमा सके, ऐसा भी रोजगार नहीं है। अगर 15,000 रुपया भी कमाने के लिए आपको दूसरा राज्य में जाना पड़ेगा, समझ रहा है ना। और जो नहीं पढ़ता उसका क्या हाल होता हो गाँव में, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम इतना पढ़े लिखे हैं और इतना मेहनत करते हैं, से मंथ में 15,000 रुपया बचा नहीं पाते, खर्च हो जाती है ना, बचाना। अब बताइए, और जो ना पढ़ता लिखता वो कैसे 15, मतलब कैसे वो रहता होगा इस गांव में, समझ में आ रहा है ना। तो हाँ, बस जिंदगी कैसे कट रहा है ना। और नहीं तो पैसा कमाना है तो फिर बाहर जाइए, 15,000 रुपया गांव में बचा नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये सब नेता की गलती है, हम लोगों की गलती नहीं है, है ना, ये हम लोगों की गलती नहीं है। कैसे? अच्छा शिक्षा नहीं दिया जाता, सरकारी स्कूल का सिस्टम खराब है, है ना। अब तो वो खराब हो जाएगा, लाइकन के बैठाई ले रहोगा, 8-6 घंटा एकदम लाइकन के बैठाई ले होगा, भागे पर कंप्लेन ये कर, लेकिन अंदर लाइकन का पढ़ाई नहीं चल रहा होगा, एकदम गारंटी 100% पढ़ाई नहीं चल रहा होगा। कोई माई का लाल टीचर नहीं है, सरकारी टीचर जो बैठ के लाइकन को पढ़ा रहा होगा, ठीक है, या तो झुक रहा होगा, यानी वही सब कुछ कर रहा होगा, और नहीं तो पढ़ाएगा क्या, पत्ते नहीं चलेगा, ठीक है ना। चाहते ऐसा नहीं है, सिस्टम खराब है, टीचर खराब नहीं है, हम ही नहीं करें, टीचर खराब है। टीचर खराब रहते तो नौकरी कैसे हो जाता है ना, नौकरी हो रहा है नहीं, टीचर बढ़िया है ना, क्वालिफाइड है, लेकिन सिस्टम खराब है। आइए, सिस्टम कैसे सुधरेगा पता है? हाँ, सिस्टम एक के सर पर सुधरेगा, जे एरिया में जे जहां के नेता है ओकर बाल बच्चा उसी गांव के उसी एरिया में पढ़ना चाहिए, सरकारी स्कूल में, बस सिस्टम अपने आप सुधर। हमर बेटा पढ़वे नहीं करेगा तो जाके दो दंड डेली बोलेगा टीचर और मास्टर बाबू को, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, पढ़ाई सुधर जाएगा। लेकिन ओकर बाल बच्चा वहां पढ़ा ही ना जाता है तो पैसा से का मतलब है ना, काहे कहला जाएगा कि अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ही से। और यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था कब सुधरेगी? जब बड़े बड़े नेता जो हैं या छोटे छोटे भी नेता हैं वो अपना इलाज कहाँ करवाएंगे? वो सरकारी अस्पताल में करवाएंगे, तब पता चलेगा। और वही
पहचान देके नहीं कि देखो हम आए हैं, है ना, नॉर्मल बन करके, एक आम आदमी बन करके, तब पता चलेगा, तब सुधरेगा। पता क्या चलेगा, सुधरेगा, है ना। और यही संघ कभी होने वाला नहीं, बिहार में नहीं, बिहार क्या, कोई दस जगह पे नहीं, अंगारा है ना, जापान में है, जापान में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं रहता, प्राइवेट स्कूल नहीं रहता वहां, है ना। अब बताइए, जब प्राइवेट स्कूल नहीं है, हायर टेक्नोलॉजी देना है तो सरकारी से ना देगा, तो सरकारी में पढ़ाई करना मजबूरी है, है ना। और यहाँ गांव के बच्चे, मतलब आज बिहार टॉपर है ना, तो हम गर्व से कहते हैं हमको यूपीएससी करना, 7 साल के बाद पूछ लेना ओकरे से, जब यूपीएससी देवे के औकात आया ना, पूछ लेना कौन का हुआ हो, वो जो टॉप किया है, जो इसका 95% 90% है, उसको पूछा जाता है कुछ नहीं, है ना, वही छोटा छोटा नौकरी में, बड़ी होगा तो छोटा 10-20 हजार 25-30 हजार की नौकरी में चला गया, 50 हजार की नौकरी में, इतना ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो गरीब है ना, और ये कमजोर बच्चे हैं। तेज बच्चे होते तो अमीर होते, और वो सीबीएसई स्कूल में पढ़े होते, तो सारे बच्चे, अच्छे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में। आज तनिए सुबह औकात बोला तो सीबीएसई पढ़ रहा है, तो बताइए, जेकरा औकात नहीं हुए ना, बिहार बोर्ड कर रहा है, तो ओकरा में मुझ पर तो दे वाला बात है कि एकदम बड़का हाथ तेज है, देखो टॉपर है, 95% ले आया है, है ना। तो सीबीएसई स्कूल बंद कर दे और 95% ला के दिखा दे, है ना, ये गलत है, नहीं होबे नहीं करेगा। अगर आएगा तो एगो के 95 तो अगला का 98 रहेगा, ठीक है ना। चलिए खैर, तो अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश में किया गया है? ऑप्शन है रूस, यूक्रेन, जापान, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पे? रूस में किया गया, ठीक है ना। कहता है रशिया में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस, आइए, कहता है रूस में 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने एक अंगारा A5 रॉकेट, अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया, यहाँ रॉकेट का परीक्षण, अंगारा रॉकेट है ना, चौवन यानी 54.5 मीटर लंबा, 3 चरण वाला रॉकेट है। अधिकतर रॉकेट चरने में ही रहता है, एक चरण जैसे फ्यूल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे होता है, ठीक है ना। रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर शायद ही किया गया होगा। कहता है भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस में, रूस से सबसे अधिक क्रूड तेल आयात करने वाला देश चीन बन गया है। पहले भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता था रूस से, नहीं, रूस से तेल सबसे ज्यादा कौन खरीदता था? भारत। अब क्या है, तेल सबसे ज्यादा रूस से कौन खरीद रहा है? चीन खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? चीन खरीद रहा है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, कच्चा तेल तो बोल रहे हैं, क्रूड, कच्चा तेल क्रूड ऑयल, कच्चा तेल क्रूड ऑयल बोल तो रहे हैं, कहा नहीं बोल रहे हैं, है ना, इंग्लिशों में लिख दिया सतरा क्रूड ऑयल। कहता है विनय कुमार रूस के नए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए, यानी भारत के जो राजदूत हैं रूस में उनका नाम क्या होगा? विनय कुमार, ठीक है ना। आइए, रूस में लगातार 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, ये तो बता ही था कि 5वीं बार राष्ट्रपति का ये चुनाव जीत गए, है ना, जहां से मैं पैदा लिया था यहां से यही है। ओमान की खाड़ी में चीन, ईरान और रूस में ने किया एक अभ्यास जिसका नाम था, तीनों मिलकर किया, रूस, चीन और ईरान, खतरनाक तीनों देशों ने मिलकर के किया, है ना, चीन नौसेना था, इस नौसेना के अभ्यास ही था जिसका नाम क्या था? सुरक्षा बेल्ट। हम लोग उसी अभ्यास, युद्धाभ्यास का नाम है जो भारत और दूसरे देश के साथ हो, भारत और कोई देश के साथ है, है ना, भारत से बाहर जिसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं है, एक को नहीं नाम जानते, तो एक नाम जान जाइए, ठीक है, इसमें भारत है क्या? नहीं। इसका नाम क्या है? सुरक्षा बेल्ट। आज का ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्रिकेट में सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-2024 किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र, है ना, पूर्वी क्षेत्र जीत लिया। कहता है पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट के सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2024 फाइनल में दक्षिण क्षेत्र को हराकर जीता गया। फाइनल में महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, जैसे गया कॉलेज गया नाम है ना, उसी ढंग से यह स्टेडियम का नाम है महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, यानी स्टेडियम में क्या नाम है? महाराष्ट्र। और यह अवस्थित है कहाँ? पुणे में, पुना महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। आइए, कहता है विजेता टीम को 50 लाख रुपया और उपविजेता को 20 लाख रुपया की राशि प्रदान किया गया, है ना, बहुत कम राशि है, 50 लाख कुछ
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिन्नू मणि दक्षिण क्षेत्र के कप्तान थे और टूर्नामेंट का सर्वाधिक खिलाड़ी है ना, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा खिलाड़ी दीप्ति शर्मा रही है। आज का ये क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट, भारत सरकार के द्वारा 2024-2025 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, यानी 24-25 में भारत कोयला कितना निकालेगा खदान से, ठीक है ना, 470 मिलियन टन, 270 मिलियन टन, 370 मिलियन टन या 170 मिलियन टन। तो बहुत कम निकालेगा, मात्र 170 मिलियन टन निकाला जाएगा। कितना निकाला जाएगा? 170 मिलियन टन। भारत के भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान देश में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य लिया गया है। 2023-24 में उत्पादन 116 मीट्रिक टन है, यानी इतना उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है ना। आइए, भारत में कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण, कोयला खदान यानी राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 हुआ था, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो सबको बराबर मिलेगा, है ना। झारखंड से कोयला निकालिए और सब देश में बांटिए, समझ में आया, झारखंड में हो, हाँ सब राज बराबर होगा, सबका कोई वैल्यू नहीं। कहता चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा कोयला सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा कोयला किस देश में? चीन में, और दूसरा भारत में, है ना। ये आपका कोयला है। कोयला के चार किस्म होते हैं, कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। कहता भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है, है ना, यानी अभी भंडार है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, भारत में है, मौजूद है इतना बड़ा भंडार। भारत सरकार के अनुसार अप्रैल से फरवरी 2024 में अवधि में कोयला का आयात बढ़कर के 244 मिलियन टन हो जाएगा, यानी दूसरे देशों को भी भारत कोयला भेजता है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य जो है, यानी अपकमिंग गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य लिया गया है। और क्या क्या चीज है? हर घर में नल का जल होगा, है ना, है ना, बंद है ना, नल का जल तो है लेकिन क्या है, बंद है, कभी कभी पानी आता है, कभी कभी गायब रहता है, ठीक है ना। बिहार में बाहर है कैसा लेकिन स्लोगन बनाता है बताइए, सबसे कचरा राज बिहार है, सबसे, कोई और राज में जाइए आता ही हो, यहाँ के नीतीश कुमार का स्लोगन था बिहार में बाहर है, यानी बिहार बाहर मतलब कोई और चीज की कमी नहीं है, है ना। एक और बताए थे कि अगर गरीब रहना है तो मतलब कहाँ रहिए, दिल्ली के गरीब रहिए, आपको सब चीज हम वर्ल्ड क्लास मिलेगी।